वेलकम प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट सेकंड है, इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। टू वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। टू वुमेन है और 5 मैन है, जो एक साथ काम करते हैं तो वो 4 डेज में ख़त्म कर देते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन इट 3 डेज। और कह रहे हैं कि अगर 3 वोमेन हो और 6 मैन हो तो वो वर्क को 3 डेज में कर देते हैं कंप्लीट। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वोमेन एलोन टू फिनिश द वर्क। तो ये बताइए कि एक वोमेन अकेले काम को कितने दिन में ख़त्म करेगी एंड एक मैन वो भी अकेले जब काम करता है तो कितने दिन में पूरा फिनिश कर लेगा। ठीक है, जैसे या 2 वोमेन और 5 मैन है तो उसने 4 डेज में किया, ऐसा नहीं है। अकेला 1 वोमेन हो या अकेला 1 मैन हो तो वो कितना दिन में वर्क को फिनिश कर देगा, तो ये आपको करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक जरा एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए मुझे 2 लड्डू बनाने हैं, मेरे पास टाइम है 2 दिन का, तो मैं क्या करूँगा, ये तो एक दिन का काम निकालेंगे तो एक लड्डू बनाएंगे, टोटल डेज कितने हैं 2 है, तो एक दिन का काम आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, मान लीजिए 5 लड्डू बनाने थे, टाइम मेरे पास है 5 डेज का, तो क्या करेंगे, तो 1 डे का काम निकालेंगे तो 1/5, एक दिन में वो एक लड्डू बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो नीचे आता है वो आपका आता है टोटल डेज, नंबर ऑफ टोटल डेज आपका नीचे रहता है इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए जो आपसे पूछा गया है 1 वोमेन और 1 मैन का, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए वोमेन। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए मैन, इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको तो मैंने मान लिया कि कितना टाइम उन्होंने लिया, लेकिन अब यहाँ पर 1 डे का निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन वाई ए वोमैन इन 1 डे। तो 1 डे में क्या करेंगे, देखिए टोटल आपका ये है तो 1/x आ जाएगा ना, ऐसा इसका करेंगे वर्क डन बाई ए मैन इन 1 डे, इसका क्या आ जाएगा 1/y। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1/x और 1/y है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 2 वुमेन थे ना, तो वुमेन को मैंने माना क्या, और एक दिन का काम यहां पर निकालेंगे, 2 वुमेन है ना, तो 1 डे का काम निकालें तो 1y आपका x है, तो 1y x है तो आपका 2 वुमेन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/x प्लस 5 मैन है तो आपका 5y इज इक्वल टू 4 डेज आपके लग रहे हैं ना, ये कि एक एक दिन का मैंने ये निकाला है तो इसका भी तो 1/4 ही आपका होगा। ठीक है, 1 डे का यहाँ पर वैल्यू निकाला है। आगे देखेंगे, इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड का देखेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पर 3 वुमेन तो 3x प्लस 6 मैन तो 6/y इक्वल टू ये 3 डेज आपका हुआ तो 1/3, ये सेकंड इक्वेशन से आपकी। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये उसी फॉर्म में आएगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, क्या करेंगे लेट 1y x इजक्ल टू ए एंड 1y इजक्ल टू बी। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आपकी कैसे बन जाएंगे देखेंगे, तो आपका 2/x है ना, तो 2/x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1y x और 1y x को मैंने a मान लिया तो आपका हो जाएगा 2a, इसको लिखेंगे 2a प्लस 5/y को लिखेंगे 5b
इजकल टू 1/4 आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/4 हो गया तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8a प्लस 20b इजकल टू 1। ठीक है, इस 1 को अंदर लेके आएंगे, आपका हो जाएगा 8a प्लस 20b माइनस 1। अब ये इक्वेशन आप थर्ड 1 के कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो मैंने इसको सॉल्व किया था, अब इसे देखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3a प्लस 6b इजकल टू 1/3। इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 3 3 9a प्लस 6 6 3 18b इजकल टू 1। 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो 9a प्लस 18b माइनस 1 इजकल टू 0। ये इक्वेशन आपकी फोर्थ बन के आ गई। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जिससे कि आसानी हो जाए। माइनस 1 ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। चलिए अब यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पर लिखेंगे y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए a का निकालते हैं पहले, यहाँ पर a को छुपा लेंगे, 20 इंटू माइनस 1 तो माइनस 20, माइनस लगाएंगे 18 और माइनस 1 करेंगे तो माइनस 18 आ जाएगा आपका। ये होगा a का। अब b का निकालेंगे, b का निकाल इसको छुपा लिया, तो माइनस 1 इंटू 9 तो माइनस 9 आपका हो जाएगा, फिर आपका 8 और 1 तो ये आपका माइनस 8 हो जाएगा। इजकल टू कॉन्स्टेंट टर्म है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, इसको छुपा लेंगे तो 8 का 18 करेंगे तो 144 आ जाएगा आपका, माइनस 20 का करेंगे 9 में तो आपका 180 रहेगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे, चलिए इसको कंपेयर करते हैं। ए को पहले इससे कंपेयर करेंगे, तो ए अपॉन आप देखेंगे माइनस 20 है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 20, इसको यही मैं लिख देता हूँ, माइनस 20 प्लस का 18 रहेगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 बचेगा आपका इजकल टू। इसको जब लेस करेंगे तो आप देखेंगे 44 और आपका 80 है, तो इसको लेस करेंगे 36 बचेगा आपका, 36 किसका बचेगा, माइनस का। ठीक है, अब ये देखिए ए 2 आपका ऊपर जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन माइनस के 36 कैंसिल आउट किया तो 1 अपॉन 18 आपका आ जाएगा, तो ए इजकल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 18। इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, जरा बी का कंपेयर करते हैं, तो b अपॉन देखिए माइनस 9 है आपका, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो लेस करेंगे तो आपका माइनस 1 रहेगा इजकल टू, यहाँ पर आपका माइनस 36 रहेगा, तो v इजकल टू माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 अपॉन माइनस का 36 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन 36 रहेगा, तो b इजकल टू 1 अपॉन 36। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब मैंने क्या माना था यहाँ पर, ज़रा ये भी देख लीजिएगा, स्पेस थोड़ा यहाँ पर कम है, तो 1/x को मैंने माना था a, तो 1/x a की वैल्यू निकल के आपकी क्या आ गई, 1/18, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसको भी कर देंगे रेसिप्रोकल, इसको भी कर देंगे रेसिप्रोकल, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या माना था, 1/y, इसको मैंने b माना था, तो 1/y b की वैल्यू क्या है, 1/36। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को शेयर करना है आपको, और इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, जिससे कि सारी वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए ऑल द बेस्ट, ये आपका 36 है, ठीक है ना, इस टाइप से। या आप इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए बोमैन
इजकल टू 18 नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए मैन इजकल टू 36। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।